हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है HLA-B27। HLA-B27 क्या होता है, इसका क्या रिलेशन है एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस से। HLA-B27 अगर आपको है तो ये कंफर्म है कि आप एंकाइलोसिस की तरफ जा रहे हो, और कौन से टेस्ट हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि HLA-B27 आ ही गया है और आप एंकाइलोसिस की तरफ जा ही रहे हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे HLA-B27 क्या होता है। HLA-B27 को हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं। ये हमारे शरीर में, पूरे शरीर में उपलब्ध होता है। ये हमारे शरीर के हर सेल के ऊपर होता है। खासकर ये अगर हम अपना खून को चेक करें, खून में WBC, RBC और प्लाज्मा होते हैं, तो WBC में ये WBC के सरफेस एरिया पर पाया जाता है। जब हम HLA-B27 चेक करते हैं, हम पेशेंट का ब्लड स्पेसिमेन लेकर उसे हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं। सेंट्रीफ्यूग करने से WBC, RBC और प्लाज्मा अलग हो जाते हैं। अब इन WBC में से आप WBC उठाकर, WBC में दो तरह के सेल होते हैं, एक न्यूट्रोफिल सेल होते हैं और एक माइलर सेल होते हैं। जो माइलर सेल हैं वो मेनली क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में होते हैं। अब इनमें क्या है कि कई तरह के तत्व होते हैं, जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर CD4 और ये जो हैं कि एंकाइलोसिस को आगे बढ़ा देते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम जब ब्लड सेंट्रीफ्यूग करते हैं, तो हम जब WBC में चेक करते हैं तो हमें HLA-B27 पॉजिटिव मिल सकता है। अगर पॉजिटिव मिल जाए, इसका ये मतलब नहीं कि आप एंकाइलोसिस की तरफ जाओगे ही जाओगे। बहुत से मरीज होते हैं जिनमें एंकाइलोसिस तो होता है मगर HLA-B27 नेगेटिव होता है। ऐसे ही बहुत लोग होते हैं जिनमें HLA-B27 नेगेटिव होता है मगर एंकाइलोसिस होता है। तो HLA-B27 ये पक्का नहीं करता आप एंकाइलोसिस की तरफ जाओगे, मगर अगर हम मेजॉरिटी ऑफ केसेस को देखें मेडिकल फील्ड में, अगर HLA-B27 पॉजिटिव आया तो वो इधर जा ही रहे हैं। तो अभी HLA-B27 तो जीन आप लेकर पैदा हुए हो। अब कोई बंदा इसको लेकर पैदा हुआ है, उसको इसका अटैक जब तक वो यंग नहीं होता तब तो होता नहीं। तो यंग होते सारी क्या चीज़ें होती हैं जो इसका अटैक हो जाता है। देखो, यंग जनरेशन आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है। इस चक्कर में खाना पीना नियमित नहीं होता, और दूसरा नींद नियमित नहीं होती, और रेस्ट नियमित नहीं होती। जो बंदा अच्छी तरह खाएगा नहीं, अच्छी तरह सोएगा नहीं, अच्छी तरह लेटेगा नहीं, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जब उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इसे हम कहते हैं अडप्टिव इम्यूनिटी। अडप्टिव इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी लो लेवल पर काम कर रही है, उसको कन्फ्यूज़न है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। इसीलिए हम अगर देखें कि रिस्क फैक्टर में जो HLA-B27 के पेशेंट होते हैं, उनमें जो होता है स्ट्रेस मेन कारण होता है। ये फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, ये मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। क्योंकि जब वो कोई बंदा उदास रहता है तो उसकी इम्यूनिटी कम काम करने लगती है। अगर मैकेनिकल में होता है कोई इंजरी होगी, अगर तो आपकी इंजरी हील कर जाएगी तो आपको कोई एंकाइलोसिस नहीं होगा। जब इंजरी आपकी हील ना करे तो ये जो मैकेनिकल स्ट्रेस है लंबे टाइम में जाकर ये एंकाइलोसिस की तरफ चले जाएंगे। मान लो आपको कोई चोट लगी आपकी पीठ में, और मान लो आपके घुटने में लगी, आपको एंथेसाइटिस हो गया पीठ में, जब आपके नी में हो गया, तो इससे घुटने में जो आपकी पीठ में ये सेल आएंगे, जो सबसे पहले सेल आते हैं वो आते हैं आपके इम्यूनिटी के सेल। इम्यूनिटी के सेल में WBC सेल आते हैं। WBC में जो होते हैं ये दो तरह के सेल होते हैं, लिम्फोसाइट और माइलर सेल। जो लिम्फोसाइट हैं वो सेल अपना आकर इन्फेक्शन को दूर करते हैं और आप ठीक हो जाते हैं, मगर इन केसेस में माइलर सेल हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। जब वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि एडप्टिव इम्यूनिटी के कारण, तो CD4 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इकट्ठे होने लगते हैं। जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और CD4 हैं ये कॉम्प्लिकेशन जनरेट करते हैं। उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर टिश्यू लेवल पर
बॉडी में आ जाएगा, सोजस आ जाएगी जो कि इजीली नहीं ठीक होगी। तभी ये जाकर ये आगे जाकर बोन में एडिमा कर देगा, क्योंकि जो माइलर सेल हैं वो आपके टिश्यू खाने लग पड़े, उसने लाइसिस को सेट शुरू कर दिया, यानी कि वहाँ पर उनको हौली हौली इंगल्फ करने लग पड़े। इससे क्या है, अकड़न जकड़न और रेडनेस आ जाती है, स्टिफ हो जाती है। जो अर्लियर केसेस हैं उनकी बोन, उनकी पीठ और ज्वाइंट बहुत स्टिफ होते हैं, जिसको हम डक्टाइटस कहते हैं, अगर वो उंगलियों में हो। अगर पाँव में भी होता है डक्टाइटस और हाथों में भी होता है, और सोसेज फिंगर भी इसे कहते हैं। और जब ये लंबे टाइम रहेगा, इसके साथ क्या होगा, बोन एडिमा के साथ साथ आपका न्यू बोन फॉर्मेशन होने लग पड़ेगा। जैसे जैसे वो न्यू बोन फॉर्मेशन होने लग पड़ेगी, स्टिफनेस बढ़ जाएगी, लचीलापन कम हो जाएगा। एंड में क्या होगा, बोन आपस में फ्यूज हो जाएंगी। जब बोन फ्यूज हो जाएगी, उसे हम कहते हैं एंकलोज्ड, इसीलिए इसे स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जो कि एंकलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है। अब HLA-B27 का मैंने आपको सारा रोल समझा दिया। अब HLA-B27 के बाद आप अगर कंफर्म करो कि हाँ मैं HLA-B27 पॉजिटिव तो अर्ली डिटेक्ट हो गया हूँ, कि मुझे पक्का एंकलोसिस होगा कि नहीं होगा, इसके लिए सबसे पहले आप अपना एक्सरे चेक करो। अगर एक्सरे में आपको निकल कर ये आता है तो आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम की तरफ लेकर जाएगा। जिन लोगों के एक्सरे में आ जाए तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप MRI करो, क्योंकि MRI आपकी बोन्स को मल्टीपल लेवल पर, बहुत ब्रीफ लेवल पर चेक करती है। अगर छोटी सी भी कोई कमी आ रही है वो पता कर लेगी तत्काल। अगर टाइम से इसका पता लग जाए तो हम इसकी प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। अब इसके बाद आप अगर कंफर्म्ड हो गए एंकलोसिस हो गए, तो आपने नियमित तौर पर कौन से टेस्ट कराने हैं। नियमित तौर पर आपने दो तीन टेस्ट हैं जो आपने कराने कराने हैं। आपने हर महीने अपना यूरिक एसिड आर ए फैक्टर चेक कराना है, उसके बाद आपने अपना सी रिएक्टिव प्रोटीन का चेक कराना है। सी रिएक्टिव प्रोटीन क्रोनिक कंडीशंस में बढ़ता है, और ये नियमित बताता है कि आपका एंकलोसिस कंट्रोल्ड है कि अनकंट्रोल्ड है। अब इसके बाद जो अपना कॉमन टेस्ट है, जो आप हर 10-15 दिन में, हफ्ते में करा सकते हो, वो है ESR। अगर किसी व्यक्ति का ESR बढ़ रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है कि डैमेज लेवल बढ़ रहा है, तो उसको ESR कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक इधर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो आए वो आपसे छूटे ना। Thank you.